एक सिपाही थाने में कुछ काम कर रहा था तभी अचानक से उसकी नजर थाने के मेन गेट पर पड़ती है वहां पर एक महिला जो कि बेकारन है भीख मांगा करती है वह थाने के मेन गेट पर खड़ी हुई थी और थाने की तरफ देखे जा रही थी इसके बाद वह सिपाही अपना काम छोड़ता है और वहां से उस महिला के पास जाकर उससे पूछने लगता है तो वह महिला बताती है कि साहब मुझे वैसा तो कोई काम नहीं है लेकिन धूप काफी ज्यादा तेज थी तो मैं सोच रही थी क्यों ना यहाँ पर बैठकर आराम कर लू अगर आप कहो तो इसके बाद जो वह सिपाही होता है वो उससे कह देता है कि ठीक है थोड़ी देर आप यहाँ पर बैठ सकते हो उसके बाद आप यहाँ से चले जाना ऐसा कहकर सिपाही दोबारा से अपने काम में चला गया था और वह बेकारन जाकर थाने के बाहर पड़ी हुई एक बेंच पर बैठ जाती है और थाने के अंदर हो रही कार्रवाई को देखने लगती है थोड़ी देर

से एसपी साहिबा को बेकारिन का भेज धर के यहां पर आना पड़ा और क्या देखा था उन्होंने ऐसा जिसके बाद वे थाना इंचार्ज को धमकाने लगी पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। झारखंड के एक छोटे से गांव में एक छोटा सा परिवार रहा करता है जिस परिवार के अंदर कुल चार सदस्य हैं दो माता पिता और दो उनके बच्चे बड़ी लड़की होती है जिसका नाम है कामना और छोटा लड़का होता है जिसका नाम है अभिषेक अभिषेक और कामना दोनों बहन भाई हैं और कामना फिलहाल बारहवीं क्लास में पढ़ा करती है कामना के पिता के पास पुस्तैनी जमीन है उस पर खेती किया करते हैं और अच्छा खासा रुपये पैसा कमाया करते हैं यानी कि उनके परिवार को रुपये पैसों की कोई भी दिक्कत नहीं है तो वह अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए और भी ज्यादा प्रेरित करते हैं। इसी वजह से कामना पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा होशियार है और वह पढ़ लिख कर एक बड़ा अधिकारी क्लास में डिस्ट्रिक्ट को टॉप किया है तो वह इस बात की बड़ी खुशी मनाता है और अपने मोहल्ले में इधर उधर मिठाइयां बंटवाता है उसके बाद वह अपनी बेटी से पूछने लगता है की बेटी तुम आगे क्या करना चाहती हो तो बेटी अपने पिता को बता देती है की पिताजी मैं पढ़ लेख एक बड़ा अधिकारी

और वहां पर रहकर यूपीएससी की कोचिंग करने लगती है धीरे धीरे समय बीतता है समय के साथ साथ कामना मेहनत करती रहती है और लगभग दो साल मेहनत करने के बाद उसकी मेहनत रंग लाती है और वह एक आई ऑफिसर बन गई थी यानी कि अब एक एस बन गई है और यह बात जैसे कामना के पिता को पता चलती है तो वह इस बात की बड़ी खुशी मनाते हैं उसके बाद कामना अपनी ट्रेनिंग के लिए चली जाती है और कुछ दिनों की ट्रेनिंग करने के बाद उसको एक डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग मिल जाती है कामना की पोस्टिंग हो गई थी तो उसके बाद उसके पिता उससे कहने लगते हैं कि बेटी अब तू जवान हो गई है तो क्यों

दफा, दफा कर दिया जाता है और उन पर कार्रवाई नहीं की जाती अब पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ गौर दीजिए और ऐसे लोगों के खिलाफ सक कार्रवाई कीजिए जो ऐसा कुछ कर रहे कामना सोचने लगती है की आखिर ऐसा क्या किया जाए जो ये लोग पकड़े जाए कामना पुलिस डिपार्टमेंट की एक मीटिंग बुलाने के बाद इन सभी बातों को उनके सामने रखती है उस डिस्ट्रिक्ट के सभी थाना इंचार्ज वहां पर आ गए थे और सभी से इस बात के बारे में पूछा जाता है लेकिन कामना से सभी लोग मना कर देते हैं और कहते हैं कुछ भी नहीं है और आपको वैसे ही को गलत इंफॉर्मेशन मिली है हम लोग ऐसा नहीं किया करते इसके बाद कामना उन लोगों को हिदायत देती और कहती कि ऐसा होना भी नहीं चाहिए अगर मैंने तुम लोगों को कभी ऐसा करते हुए देख लिया या कोई शिकायत ऐसी मेरे जैन वन पहुंच गई तो उसके बाद तुम लोगों की खैर नहीं है पुलिस वालों को वार्निंग मिल गई थी लेकिन ऐसी वार्निंग उन्हें अक्सर मिला करती है वो लोग अपने काम को इसी तरह से जारी रखते हैं और कामना वहां पर रहकर उस बात के बारे में सोचने लगती है वह डीएम

उसने अपने चेहरे पर इतना प्रोफेशनल मेकअप किया था कि बाहर निकलने के बाद कोई भी उसे पहचान नहीं पा रहा था कि ये यहाँ की एसपी हो सकती हैं। इसके बाद जो एसपी साहिबा होती हैं वो बेकारी के भेस में सीधा थाने के बाहर जाती हैं और थाने के अंदर घूर घूर कर देखने लगती हैं। अब जहाँ पर उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई देता वहां से वो चली जाया करती और ऑटो पकड़ के दूसरे थाने पर पहुंचकर ऐसा करने लगती कलेक्टर साहिबा ने उनको एक थाने का नाम भी बताया था और कहा था कि इस थाने पर जरूर से गौर देना क्योंकि यहाँ की कई शिकायतें मेरे पास आ चुकी है इसके बाद

करता है और कल तो उसने ही पार कर दी उसने मेरी बेटी को गलत तरीके से टच किया है और यह बात हमें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है इस बात को सुनकर थाना इंचार्ज प्रॉपर्टी डीलर का नाम और एड्रेस उससे पूछ लेते हैं और उन लोगों को बाहर बैठा देते हैं उसके बाद थाना इंचार्ज अपने पास से फोन निकालते हैं और फोन निकाल कर किसी से बात करने लगते हैं पूरा परिवार बाहर बैठा हुआ था और बैठे बैठे उन लोगों की आंखों से आंसू टपक रहे थे इधर वे लड़की जिसको प्रॉपर्टी डीलर छेड़ा करता था वह भी वहां पर बैठकर फूट फूट कर रोए जा रही थी और उम्मीद कर रही थी कि पुलिस स्टेशन के अंदर उनको न्याय मिल जाएगा लेकिन तभी थोड़ी देर बाद वही प्रॉपर्टी डीलर अपनी बड़ी सी कार में उस थाने पर आता है और गाड़ी से उतरकर सीधा थाने के अंदर चला जाता है वह बेखौफ होकर थाना इंचार्ज के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया था और वहां पर उससे बातें करने लगा था थोड़ी देर में उससे बातें करता और बातें करने के बाद वहां से चला जाता है, 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 है। क्योंकि जब वो लोग बाहर बैठे थे तो एस पी साहिबा ने उनसे पूछ लिया था कि आपके साथ क्या हुआ है तो उस लड़की की माँ ने उसे पूरी बात बता दी थी और जब वो प्रॉपर्टी डीलर ऑफिस के अंदर गया था तो उन्होंने बता दिया था कि यही है वो प्रॉपर्टी डीलर जो हमारी बेटी को छेड़ा करता है वह वहां से जाते समय भी उस लड़की की तरफ मुस्कुरा कर गया था और इस बात को देखकर लड़की को और भी ज्यादा रोना आ गया था अब थाना इंचार्ज उनको अंदर बुलाता और अंदर बुलाने के बाद उल्टा उस लड़की के परिवार को धमकाने लगता है और कहता है कि अभी अभी मैंने उससे बात की है उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया और तुम लोग उस पर गलत इंजाम लगा रहे हो इसके बाद जो लड़की जिसको छेड़ा गया था वह लड़की फूट फूट कर रोने लगती है और थाना इंचार्ज को अपनी बात का यकीन दिलाने लगती है लेकिन तभी थाना इंचार्ज कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और तुम लोगों ने अपना धंधा बना रखा है कि अमीर लोगों को ऐसे छोटे मोटे केसों में

के लिए तैयार हुए थे क्योंकि थाना इंचार्ज के बारे में पहले इन्होंने बहुत कुछ सुन रखा था जो बातें उन्होंने सुन रखी थी वो सभी बातें वो एसपी मैडम को बता देती हैं और एसपी मैडम इसी में आगे की कार्रवाई को राह देती है थाना इंचार्ज पर उचित कार्रवाई होती है और यह खबर चारों तरफ फैल जाती है अब जैसे और थाने वालों को पता चलता है कि इस तरह की एसपी मैडम है जो बेकारी के बेच में भी थाने में आ सकती हैं तो वो लोग भी अलर्ट हो जाते हैं और किसी भी तरह की कोताही अपने काम में नहीं बरतते हैं इसके बाद उस डिस्ट्रिक्ट में घूसखोरी ना के बराबर हो गई थी क्योंकि एक थाना इंचार्ज को इसकी सजा मिल चुकी थी यह खबर घूमते घूमते एस पी साहिबा के पिता तक भी पहुंच जाती है और जैसे वो इस खबर को सुनते हैं तो एकदम से बड़े खुश हो जाते हैं और उनका सीना फक्र से चौरा हो जाता है इसके बाद वह अपनी बेटी

अपनी ईमानदारी दिखाती हैं आप क्या कहना चाहते हो एसपी साहिबा के बारे में आप क्या कहना चाहते हो उस पीड़ित लड़की के बारे में आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते सकते हो हो लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा बहुत हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय हिंदुस्तान